अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम जिस राउटर के बारे में आपको बताएंगे वो क्योडी कंपनी का राउटर है, एसी 1200 वाईफाई स्मार्ट राउटर, जिसका मॉडल है WR1000। ये एक ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर है। इस राउटर में आपको दो एंटीने मिलते हैं। इस राउटर की वाईफाई कवरेज बहुत अच्छी है। इसका वाईफाई का सिग्नल आपको काफ़ी दूर तक मिलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर यह राउटर 300 MB पर सेकेंड स्पीड देता है, जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ पर यह राउटर आपको 900 MB पर सेकेंड स्पीड देता है। सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त राउटर है। इसमें फायरवायर की सिक्योरिटी है, आप इसमें गेस्ट नेटवर्क भी बना सकते हैं। इस राउटर की लैन पोर्ट्स की तादाद 2 है और एक इसमें वैन पोर्ट है। इस राउटर पर WPS का बटन और रीसेट का बटन भी है। पावर सप्लाई इस राउटर की 12V 1A की है। आप इस राउटर से डायनामिक IP, स्टेटिक्स IP और PPO का अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राउटर में बैंडविड्थ को कंट्रोल करने की भी ऑप्शन है। आप किसी भी डिवाइस की बैंडविड्थ को, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस राउटर की बाकी की कॉन्फ़िगरेशन हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे हम एक नई टैब खोलेंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे अपने राउटर का IP एड्रेस लगाएंगे, जो कि 192.168.10.1 है। एंटर कर देंगे, हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन वाला पासवर्ड लगाएंगे, जो कि हमने एडमिन रखा हुआ है। तो ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस का निशान हमें ये बता रहा है कि अभी इसमें इंटरनेट नहीं अवेलेबल। तो इसकी अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट भी आ जाएगा। ये हमारे राउटर का डैशबोर्ड है। नेटवर्क की ऑप्शन है, यहाँ पे हमें सबसे पहले वैन की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है कि हमने अगर PPO का अकाउंट डायल करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड की ऑप्शन है, कनेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे तो हमारा PPO का अकाउंट डायल हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास नेट आया तो वहाँ पे जो क्रॉस का निशान था, जो पहले आपने देखा था, यहाँ पे टिक का निशान हो गया है। यहाँ पे हमें बता रहा है हमारा राउटर कि यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, लैन क्या है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई, 5 गीगाहर्ट्ज़ का ऑन ऑफ का बता रहा है। तो ये सारा हमारे पास डैशबोर्ड है। इसके बाद हम नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे लैन की ऑप्शन है, यहाँ से हम IP एड्रेस चेंज करेंगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वायरलेस सेटिंग्स है, वायरलेस नेटवर्क नेम यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसकी बाकी सेटिंग्स आपने ऑटो रखनी है तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज आप इनको चेंज कर सकते हैं। वायरलेस को डिसेबल करना है 2.4 को, तो यहाँ से डिसेबल है। ऑप्शन भी है सिक्योरिटी की ऑप्शन में, आप अपने वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का पासवर्ड भी चेंज कर सकेंगे। यहाँ पे वायरलेस पासवर्ड की ऑप्शन दी गई है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। सेम इसी तरह सेटिंग्स 5 गीगाहर्ट्ज़ की हैं, यहाँ से इसका नाम चेंज होगा और सिक्योरिटी में जाकर इसका पासवर्ड चेंज होगा। उसके बाद DHCP की ऑप्शन है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट में आपको यहाँ से गेस्ट नेटवर्क मिल जाएगा, आप इसके गेस्ट नेटवर्क को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों की ऑप्शन है गेस्ट नेटवर्क के लिए। बैंडविड्थ कंट्रोल की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना लिमिट लगा सकते हैं, बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डिवाइस की। सिक्योरिटी की ऑप्शन में फायरवॉल है, VPN है, ALG है, ये आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। या आपके सामने रिमोट की ऑप्शन है, इसको आप डिसेबल और इनेबल भी कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल की ऑप्शन है, सिस्टम की ऑप्शन है, सिस्टम की ऑप्शन में आपको टाइम जोन मिल जाएगा, आप अपने जोन के मुताबिक टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेमवेयर को अपडेट करना हो तो आप यहाँ से फ्रेमवेयर भी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाएँ, इस मॉडल का फ्रेमवेयर डाउनलोड करें और यहाँ से चूज़ अ फाइल पर क्लिक करें तो आपका फ्रेमवेयर अपग्रेड हो जाएगा। फैक्ट्री की ऑप्शन है, यहाँ से फैक्ट्री रिस्टोर हो सकती है। बैकअप की ऑप्शन है, आप इसकी सारी सेटिंग का बैकअप बनाकर सेव कर सकते हैं, बाद में उसको आप रिस्टोर भी कर सकते हैं। रीबूट, आपने अगर अपने राउटर को रीबूट करना है तो यहाँ से रीबूट की ऑप्शन आपको मिल जाती है। यहाँ पे पासवर्ड जो लिखा गया है, ये एडमिन वाला पासवर्ड है। अगर आप एडमिन वाला पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड लिखना होगा, उसके बाद न्यू पासवर्ड और फिर कन्फर्म पासवर्ड करना होगा। इसको आप सेव कर देंगे तो आपका एडमिन वाला पासवर्ड सेफ हो जाएगा। तो ये इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने आपके सामने किया। बहुत ही आसान और सादा सा राउटर है। अगर आप ये राउटर परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें। वहाँ पे इस राउटर के अलावा दीगर बहुत सारे राउटर अवेलेबल हैं, नेटवर्किंग का तमाम सामान हमारे पास अवेलेबल है। आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ से ईजीली परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉल पर बात करना चाह रहे हैं तो हर वीडियो के एंड पर हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप हमसे फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।